नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय और आप देख रहे बुलंद हिंदुस्तान। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को NDA का उम्मीदवार बनाया गया है। एक महिला आदिवासी नेता को देश के सर्वोच्च पद का दावेदार बनाए जाने को लेकर बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। मुर्मू को आगे लाकर पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश भी की है। ये न सिर्फ देश की महिलाओं, आदिवासियों और ST/SC समुदायों के लिए एक बड़ा संदेश है, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ इस कदम को बढ़ाया गया है। इसके साथ जुड़े कई सियासी और सामाजिक मायनों को भी देखे जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़े बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने 5 साल पहले UP के दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर देश का एक बड़ा मैसेज दिया था। अब उसी तरह का चौंकाने वाला फैसला द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी किया गया है। मुर्मू ओडिशा से हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। बीजेपी इन दोनों ही राज्यों में अपने विस्तार की कोशिश में है। ओडिशा में पहली बार किसी को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया जाना वहाँ की उड़िया आबादी को लुभाने का बड़ा प्रयास भी किया गया है। इससे भविष्य में पार्टी को वहाँ पैर जमाने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में बीजू जनता दल का समर्थन हासिल करना भी काफी आसान हो गया है, जो NDA उम्मीदवार की जीत के लिए काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो या बंद दरवाजे के अंदर के कार्यक्रम, महिलाओं के बीच बढ़ते जनाधार को पहचानने की बात करते ही रहते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि महिला वोटर भाजपा के लिए एक वफादार वोट बैंक के रूप में भी उभरी हैं। इसकी एक वजह उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन जैसे कल्याणकारी तमाम योजनाएं भी हैं। देखा जाए तो हाल ही के महीनों में पार्टी ने आदिवासियों की तरफ अपना फोकस को बढ़ा दिया है। जून के महीने में JP नड्डा रांची की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रशंसा की थी और आदिवासियों को यह आश्वासन दिया था कि भाजपा राज्य में उनकी बेहतरी के लिए काम भी करेगी। तो ये थे बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बुलंद हिंदुस्तान।